लखनऊ गोमती नगर स्थित शिरोज कैफे में युवा सशक्तिकरण संस्थान की मैनेजिंग ट्रस्टी फरजाना खान द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों को संस्था के माध्यम से सामाजिक, अकेडमिक, कानूनी, व्यवसायिक एवं अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने हेतु हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ एवं जनमित्र गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा की वरिष्ठ नेता नीरज सिंह एवं पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया। के लिए इनके रोजगार के लिए और इनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, हमने ये हेल्पलाइन लॉन्च की है पूरे प्रदेश भर में, जिससे हमें प्रदेश से सहायता मिल सके और हम इनके रोजगार, इनके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था जो है वो काम कर सके, इसलिए हमने हेल्पलाइन लॉन्च की है आज। और बताइए, मोरल सपोर्ट के लिए संस्था क्या करेगी? देखिए, मेरे हिसाब से जो एसिड अटैक जो पीड़ित होती हैं, इनका जो जब इस तरह की कोई घटना होती है तो इनके जीवन का तो अर्थ ही बदल जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो एसिड अटैक एक ऐसी मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक ऐसी दुख है, एक ऐसी तकलीफ है जो लोग पीड़ितों के ऊपर होती है, जो कि ये भूल नहीं पाते और हर तरह से इनका जो ज़िंदगी का जो अर्थ है जीवन का वो बदल जाता है। अब आप मुझे बताइए कि समाज में लोग फिर भी जो है इनको नेगलेंस करते हैं, एसिड अटैक जो हुआ है वो इनके साथ हुआ है इस तरह की घटना, लेकिन जो समाज है वो इसे नेगलेंस करता है। तो मेरा कहना ये है कि समाज ये ऐसी थी नहीं, ये इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो इस विषय में जो है वो सरकार हो, हमारे जो पुलिस विभाग है या जो हमारा समाज है, इसको एक्सेप्ट करके कि इन चीज़ों पर तुरंत ही इन घटनाओं पर रोक हो, इन पे एक्शन हो और इनको समाज की तरफ से सपोर्ट हो, इसलिए हमने ये हेल्पलाइन लॉन्च की है। प्लस हम इनका एक काउंसलिंग सेशन भी चला रहे हैं जिससे इनको मॉरल सपोर्ट मिल सके। चैनल देशभर न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।